वेलकम बैक। वज़ीर आज़म अवाम दोस्त बजट पेश करके फौरन इलेक्शन में चले जाए। वज़ीर दाखला शेख रशीद का इमरान खान को मशवरा, कहा 28 तारीख को अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, किसी ने धरना देने की कोशिश की तो धर लिया जाएगा। वज़ीर दाखला ने कहा कि नाज़िम झोकियो कत्ल केस में नामजद एमएनए जाम अब्दुल करीम जैसे ही पाकिस्तान में लैंड करेगा गिरफ्तार करके नाम ECL में डालेंगे। बिल्कुल, वज़ीर आज़म अवाम दोस्त बजट पेश करके फौरन इलेक्शन में चले जाएँ। वज़ीर दाखला शेख रशीद का इमरान खान को यह मशवरा सामने आया है, कहा कि 28 तारीख को अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, किसी ने धरना देने की कोशिश की तो उसे धर लिया जाएगा। वज़ीर दाखला ने यह भी कहा कि नाज़िम जोखियो कत्ल केस में नामजद MNA जाम अब्दुल करीम जैसे ही पाकिस्तान में लैंड करेगा उसे गिरफ्तार करके उसका नाम ECL में डाल दिया जाएगा। जाम अब्दुल करीम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने यह ऐलान किया है वो दुबई में मौजूद हैं और तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग के लिए, वोट डालने के लिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन अब वज़ीर दाखला ने कह दिया है कि जैसे ही वो पाकिस्तान में लैंड करें उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। 28 को तहरीक पेश हो रही है अदम एतमाद की, मुस्लिम लीग नून ने 28 पे उन्होंने आमद जो इश्तहारात दिए, अगर किसी ने धरना दिया तो धर लिए जाएंगे। बड़े बड़े नाम है जो फौज के खिलाफ ये ईमेल पे बकवास कर रहे हैं। मैंने DGFIA को कहा कि इन तमाम लोगों को उठाएं। नाज़िम जोखियो के कत्ल में नामजद MNA जाम अब्दुल करीम वो दुबई से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अब इस पार्टी का अंदाजा लगाएं कि मफरूर कातलों को भी वोट डालने के लिए दुबई से ला रहे हैं। इसका मतलब है इनकी कांपें टांग रही हैं, कांपें टांग रही हैं, कांपें टांग रही है। मैंने DGFIA को कहा है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, ECL पे भी आज डालेंगे उसको, इंटरपोल पे भी इसका नाम भेजेंगे। अगर कोई गलती अपोजिशन ने की तो उसकी सजा भी वही भुगतेंगे, उसकी सजा भी वही भुगतेंगे। फिर ये जो एचकने लिए फिरते हैं ये नेकरों में बदलेंगे, ये बेवकूफ हैं। इसका नाम इमरान खान है, लग पता जाएगा, लग पता जाएगा, लग पता जाएगा। मैंने तो खान साहब को कहा है कि बजट देने के बाद हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लंदन वाले ख्वाब देखते रहे। दोबारा हमारा स्कोप बन गया है आने का आइंदा इलेक्शन, जब अपोजिशन के इन तीन शेरों को कौन देखती है वो चैनल बदल दे, चैनल बदल दे। हर किस्म की रिपोर्ट मेरे पास है, आपने लेनी।